सो हाय एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का आज के सुबह के इस बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर स्वागत है। फाइनली इस वीडियो में आपको पोषण ट्रैकर ऐप के एक बहुत ही अच्छे अपडेट और एक बहुत ही अच्छी सुविधा के बारे में जानकारी मिलेगी। काफी दिनों से परेशानी जो होम विजिट में आ रही थी उसे पोषण ट्रैकर ऐप में ऑटोमेटिकली सॉल्व कर दिया गया है। देर वाले सेक्शन में जो लाभार्थी आप होम विजिट कर रहे थे अब वहां से जीरो दिखा रहा है। इसके लिए चले चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप की ओर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पोषण ट्रैकर ऐप मैंने ओपन कर दिया है और यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन दिखा रहा है। देखिए, अभी जो है सेविकाओं को टेंशन को कम करते हुए पोषण ट्रैकर ऐप में काफ़ी अच्छा अपडेट और बदलाव कर दिया गया है जो सीधे सीधे जो है होम विजिट के संबंध में है। तो यहाँ पर लॉगिन है, हम पूरी वीडियो देखिएगा कि आखिर बदलाव क्या किया गया है, किस प्रकार के टेंशन से आप सभी को मुक्ति मिल गई है। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं घर का दौरा करने का शेड्यूल बनाना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जितने भी टाइप कैटेगरी के लाभार्थी होंगे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अब देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो होम विजिट होता है गर्भवती धात्री और बच्चों का होता है। तो यहाँ पर किसी भी बच्चे का हम ओपन कर ले, जैसे 6 महीने 3 वर्ष के बच्चे का हम जो भी कैटेगरी वो ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 6 महीने 3 वर्ष के जो बच्चे थे पहले ही इस वाले सेक्शन में सेविका का 20-25 बच्चे जो थे देर वाले सूची में आ रहे थे, तो यहाँ पर ये जीरो हो गया। जी हाँ, देर वाला सूची जो है जीरो हो गया है। आपको याद होना चाहिए कि आज से लगभग 1 सप्ताह पहले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आपका होम विजिट करने में लेट हो जाता है तो देर वाले सेक्शन में आपको जा करके उसको किसी भी दिन होम विजिट कर लेना। उसके बाद वहाँ पर एक ग्रीन करके सिंबल देखने को मिल रहा था और मैंने बताया था कि कुछ ही दिनों के अंदर अंदर 15-20 दिनों के अंदर यहाँ से हट जाएगा। देखिए, आपके भी पोषण ट्रैकर ऐप में यहाँ पर देर वाले सूची में से लाभार्थी हट गए होंगे। देर का मतलब है आपने तो होम विजिट कर दिया लेकिन थोड़ा सा देर हो गया है। देखिए, आज तक के लिए लागू वाला मैंने आज होम विजिट कर दिया है और आगामी में जो भी बच्चे होंगे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, अगर मान लीजिए इसमें से किसी बच्चे का होम विजिट करना हो अगर उस करने में लेट हो जाएगा तो वो फिर देर वाले सूची में चला जाएगा और वहां से फिर से हटने में जो है कुछ दिन का टाइम लग जाएगा। तो यहां पर आप लोग चेक कर सकते हैं, 6 महीने 3 वर्ष के बच्चे हो या फिर 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चे हो, सभी में यहाँ पर देर वाले सूची में जो बहुत सारे बच्चे पड़े हुए थे वो सभी हट गए हैं। या फिर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं किशोर वह लड़कियों का अगर हम खोलते हैं यहाँ पर इनको ओपन करते हैं तो इनका भी देर वाले सूची में नहीं है और यहाँ पर होम विजिट करने में भी फिलहाल 14.7 अपडेट में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आप सारे काम को कर सकते हैं और यहाँ से जो भी देर वाला सूची आप समझ गए होंगे कि आप कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली है। तो उम्मीद है वीडियो से आपको जानकारी जरूर मिली होगी, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।